मुख्यमंत्री के पौड़ी दौरे को लेकर शहर के कंडोलिया मैदान में विधायक राजकुमार पौड़ी तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान जनपद पौड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समेत सभी विभागों के अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। जिला प्रशासन ने मिली सूचना के अनुसार 12 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचेंगे। जिला प्रशासन की ओर से सीएम के 12 और 13 फरवरी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यालय पौड़ी इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा कंडोलिया मैदान में होने वाले कार्यक्रमों की आयोजन की तैयारियां देखने को मिली है। तो वहीं इस दौरान विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर हम सब लोग बड़ी खुशी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और ये पहला कार्यक्रम है हमारे चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद कि हमारे मुख्यमंत्री पहली बार पौड़ी में आ रहे हैं चुनाव के बाद, और सभी लोग खुश हैं। और ये कार्यक्रम जो है सरकारी कार्यक्रम है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में युवा सीएम हमको मिले हैं, जैसा कि आपने कल ही देखा होगा एक अध्यादेश उन्होंने जारी किया कि नकल का जो उन्होंने कानून नकल पे जो बनाया है उसमें बहुत ही जबरदस्त उन्होंने जो सजा रखी और जो स्ट्रिक्टनेस से वो कानून बनाया, उसके लिए पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। और युवाओं के लिए जिस प्रकार सरकार सोच रही है उस हेतु यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा।